टूर्नामेंट का आखिरी पेज, देखते हैं जीत किसकी होती है। वेलकम टू काइट कल्चर। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजीव सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है काइट कल्चर। आपके अपने चैनल इसलिए बोलता हूं दोस्तों कि जितना भी चैनल ये ग्रो कर रहा है, जितने लोग जान पा रहे हैं काइट कल्चर का परिवार जो बड़ा हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आप लोगों की वजह से ही हो रहा है। आप जो शेयर कर रहे हैं, जो नए लोग हमारे आके सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, इससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, जो सब्सक्राइबर्स पे मैंने प्राइवेसी लगा रखी है, उसे मैं बहुत ही जल्द हटा दूंगा। बहुत ज्यादा तो सब्सक्राइबर्स नहीं है, लेकिन चलेगा। स्वर्गीय सैफी मेमोरियल काइट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में बहुत ही कड़ा टक्कर दिया था ताजमहल काइट क्लब के विष्णु जी ने और निहाल भाई ने। हालांकि ये टीम बाहर हो गई थी सेमीफाइनल में, और फाइनल में पहुंच चुकी है सन काइट क्लब के शफी हसन और सैफी भाई, जिनका मुकाबला होगा फाइनल में ऑलरेडी पहुंच चुकी हिंदुस्तान काइट क्लब के कासिम भाई से और सैफुल भाई से। लखनऊ में बुनियाद बाग की जो जनता है ना दोस्तों, बहुत ही उत्साहित रहती है हमेशा खेल को लेके, चाहे वो खेल क्रिकेट का हो, चाहे वो पतंगबाजी का हो। इतनी बड़ी तादाद में जो लोग आए थे, उसको हैंडल करना एक बहुत ही बड़ा टास्क था, जिसे अच्छे से निभाया था हमारे लई कागज सर ने, जो कि वर्तमान के यहाँ पार्षद भी हैं। इतने बड़े आयोजन में इनका साथ दिया था तालिब भाई ने, राहुल भाई ने और अच्छे भाई ने। साथ ही फाइनल की कमेंट्री संभाल रहे हैं सोडी भाई और शकील भाई, और वहीं अंपायरिंग में हैं हाशिम भाई और हमारे उस्ताद गोल्डी। दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि मैं आके बीच में कहीं भी बता सकता हूं कि फाइनल जीतने वाली टीम ने कौन सा मांझा बांधा था और बड़े बड़े मांझों को काट के फाइनल जीत लिया। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, महंगे मांझे यूज करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे मांझे यूज करिए जिनकी आपको जरूरत है। दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, तभी मैं बताऊंगा कि वो मांझा आखिर है कौन सा। ये मत सोचिए कि आखिरी में देख ले स्क्रॉल करके और इधर करके उधर करके पता चल जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं बीच में ही कहीं आके बता दूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी भी आप मजोली, अद्दी और पौनी के लिए चाइनीज प्लास्टिक या पांडा मांझा यूज कर रहे हैं, तो बहुत ही घटिया इंसान है आप दोस्तों, मैं सीधी बात बोलूंगा। और कहीं भी देख लूंगा ये चीज, कहीं भी यूट्यूब पे देखूंगा, तो आके गरियाऊंगा जरूर जो भी इन चीजों को प्रमोट करता है। तो आइए दोस्तों, कुछ बेहतरीन विजुअल्स दिखाता हूं, उसके बाद सीधे मैच स्टार्ट करते हैं फाइनल सैफी मेमोरियल काइट टूर्नामेंट का। Seeing monsters at your window, no you can't sleep, you pretend though, you don't have to play the hero, cause I got you like you got me, when the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. तो इस वक्त जो हम खड़े हैं, ये है खेमा हिंदुस्तान काइट क्लब का। देख सकते हैं अभी टेपिंग वगैरह चल रही है, सारे प्लेयर्स उनके साथ दे रहे हैं। और इस टीम से आज दो फाइनल में जो प्लेयर लड़ा रहे हैं, वो है एक सैफुल और दूसरे कासिम कासिम जी। ये कासिम जी हैं,
यानी दूसरे जो प्लेयर हैं हिंदुस्तान काइट क्लब की तरफ से जो प्रतिनिधित्व करेंगे वो है कासिम जी। तो कैसा लग रहा है सैफुल भाई? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार फर्स्ट टाइम फाइनल लड़ाने जा रहे हैं। पहली बार सैफुल जैसा बता रहे हैं कि हिंदुस्तान काइट क्लब से हैं। फाइनल लड़ा चुका हूं, क्वार्टर फाइनल लड़ा चुका हूं। अच्छा, ओके, फाइनल पहली बार लड़ाने जा रहे हैं। तो अभी कैसी फीलिंग है, क्या लगता है आपको? कुछ नहीं, प्रेशर तो हल्का फुल्का तो रहता ही है भाई, फाइनल। बिल्कुल बिल्कुल है। नहीं नहीं, मेरी तरफ से नॉर्मल पतंगबाजी जैसे होती है वैसी रहेगी। एकदम एकदम। हवा कैसी है आज की? हवा अभी तो आ गई है, पहले तो हल्की थी, अभी तो हवा आ गई है थोड़ी सी, बहुत अच्छी हवा आ गई है। ठीक है, मतलब अद्दी लड़ने लायक है। हाँ, बहुत अच्छी हवा। ये है सैफुल भाई जो हिंदुस्तान काइट क्लब से सबसे पहले जो फाइनल में पहुंचे हैं, ये इन्हीं की टीम है। और सामने जो हमारी टीम है वो कल सेमीफाइनल जीत के आई हुई है सन काइट क्लब। तो मैं लेके आ चुका हूँ सन काइट क्लब के पास। कैसे हैं सैफी भाई? बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। कैसे हैं? बस, कल वाली वीडियो कैसी लगी? बहुत। तो क्या तैयारी है आज की? जो कल थी वो आज है। कैसा फील है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, यहाँ तक लगा आगे। वाकई आप लोगों ने लग हाँ बहुत अच्छा फील हो रहा है। भाई ताजमहल का है। विष्णु भाई हमारे खड़े हुए हैं, कल हालांकि सेमीफाइनल से बाहर हो गए लेकिन तब भी हौसला अफजाई के लिए खड़े हैं सन काइट क्लब की तरफ से। बहुत अच्छी चीज है और भाई है। जरूर जरूर, ये तो टीम स्पिरिट है कहीं ना कहीं। और देखिए कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, पूरा घेरे हुए लोग। दूर दूर रहिए भैया, आप लोग ने मास्क भी नहीं पहना हुआ है। क्यों नहीं पहना है भैया? पिछली वीडियो में बता चुका हूँ मैं। खैर, तो यहाँ पे पूरी तैयारी चल रही है, बहुत ही ज़बरदस्त ये मैच होने वाला है। हर एक पेज में बहुत ही क्लियरिटी के साथ दिखाऊँगा और साथ में मैं सेमीफाइनल्स के भी कुछ पेज दिखाऊँगा जिसमें सैफी भाई ने, निहाल भाई ने, विष्णु भाई ने और शब्बी भाई ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया था। पहला पेज होने जा रहा है फाइनल में। पेज सही करा दिया गया एम्पायर द्वारा। पेज सही है, दोनों टीमें लगाने की कोशिश करें। पेज सही, काफी अंदर की तरफ आ रहे हैं। पेज सही है। पहला पेज चलता हुआ देख सकते हैं। पेज सही है, ये पहला पेज जो है कासिम कट गए हैं। शबी हसन ने ये पहला पेज काटा है दोस्तों। ये पहले टूर्नामेंट, ये फाइनल टूर्नामेंट का मैच हुआ, फाइनल टूर्नामेंट चल रहा है, ये फाइनल मैच चल रहा है जिसमें कि शबी हसन ने हमारे कासिम भाई को काटा है। बहुत ही शानदार पेज, बाहर निकलता हुआ खींचते चले गए थे और इन्होंने बिल्कुल सीधा खींचा हुआ है। आइए दोस्तों पेज समझते हैं। राइट साइड की तरफ जो लेफ्ट साइड की पतंग है वो है शब्बी हसन की, जो कि ऊपर का पेज लिए हुए हैं। और लेफ्ट साइड जो हमारे कासिम भाई है वो है नीचे से। आप राइट साइड की तरफ पतंग ये देखिए ऊपर की तरफ उठा रहे हैं। ये देखिए शबी भाई की पतंग देखिए राइट साइड में, ये नीचे रखी पतंग बिल्कुल नीचे रखते चले जा रहे हैं, बिल्कुल मारते हुए चले जा रहे हैं। उन्होंने पट करके बाहर मारा, इन्होंने राइट साइड की तरफ खींचते हुए बहुत ही अच्छा पेच काट दिया यहाँ पे शबी हसन ने। अगर कासिम भाई पतंग रोक के उन्हीं के साइड खींच देते या फिर थोड़ा सा अंदर की तरफ रोक दिखा देते तो कुछ हो सकता था। बहुत ही अच्छा पेच ये ताकत से काट दिया यहाँ पे शबी हसन ने। वाह, एक बार फिर से देखेंगे दोस्तों, ये नीचे की तरफ से कासिम बढ़े हैं, ऊपर की तरफ से हैं शबी हसन। शबी हसन ने पतंग घुमाई और लेके आ रहे हैं ऊपर की तरफ से, हाथ की तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। इशारा दे दी गया है, पेज बिल्कुल सही है। नीचे की तरफ रखा, नीचे की तरफ मुद्दा मुड़ा है कासिम ने, ये बाहर निकाला, ये अंदर की तरफ बढ़ते हुए चले आ रहे हैं ऊपर के हाथ से। शबी हसन और बढ़े हैं, लगातार बढ़ा रहे हैं। और ये देखिए कहीं ना कहीं कन्ने की तरफ लेके आए हुए हैं कासिम भाई, देखते क्या होता है। ये बिल्कुल नीचे की तरफ ले आए हैं शबी हसन और बहुत ही ज़्यादा लंबे रखी है, ये बिल्कुल मांझे के आसपास है कहीं ना कहीं। ये देखिए क्या किया उन्होंने, निकलता हुआ बाहर मारा है और ये थपकी मारी है कासिम भाई ने। मारते चले जा रहे हैं, अभी भी पड़ रही है थपकी। ये देखिए, देखते हैं कौन कटता है। और ये शायद कासिम भाई ने
काशिम भाई ने पेच काट दिया दोस्तों, काशिम भाई ने बहुत ही शानदार पेच काट दिया, बिल्कुल पेच दिख नहीं रहते, लगातार थपकी दोनों तरफ से चल रही थी और कहीं ना कहीं जो पतंग नीचे जो चली जाती है उसमें जो है हवा नहीं लगती है, जिसका फायदा मिला है यहाँ पे काशिम भाई को। ये है काशिम भाई और एक एक की बराबरी हो चुकी है यहाँ पे। काशिम भाई ने बहुत ही शानदार थपकियां देके काट दिया था। दोस्तों पिछली बार की तरह ये पेच रिपीट करना चाहते थे शब्बी हसन, लेकिन इनकी पतंग बाहर ना निकल के नीचे चली गई, जिसकी वजह से तले ऊपर डोर आ गई। तले ऊपर का मतलब होता है पैरेलल आ गए डोर, एक आगे एक पीछे, जिसकी वजह से दोनों ही पतंगबाजों को, और कासिम भाई ने भी बाहर निकाला था, अपने लेफ्ट साइड खींच रहे थे, लेकिन अचानक आके इन्होंने थपकी मारना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से शब्बी हसन ने भी थपकी मारना स्टार्ट किया। लेकिन दोस्तों इस पेच में जो सबसे जबरदस्त रोल निभाया है वो है पतंग और कासिम भाई के मांझे ने। पतंग बहुत ही बढ़िया तरीके से ये हवा में रही, लगातार हवा में रखा, और मांझा भी बहुत ही अच्छा, फंसने के बाद, इतनी देर फंसने के बाद भी काटा तो कासिम भाई के मांझे ने ही अपोनेंट को काटा है। बताऊंगा मैं कौन सा मांझा है ये। बहुत ज़्यादा पेच दूर चले गए हैं दोस्तों, लेकिन दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हैं नीचे की तरफ से हैं हमारे कासिम भाई, नीचे के हाथ से हैं कासिम भाई, जो ये पतंग घूम रही है, और ऊपर रखी हुई है कहीं ना कहीं शब्बीर भाई ने, क्या नाम है, सैफी लगा रहे हैं। ओके अब हैं सैफी भाई, और ये पतंग है नीचे, एकदम क्लोज किए दे रहा हूँ, ये देखिए पतंग, ये है कासिम भाई। बादल अगर पीछे साफ होते ना दोस्तों तो पतंग में जो ये ब्लरनेस आ रही है ये नहीं होती। खैर चलिए दिखाता हूँ पेच, तो ये ऊपर की तरफ से सैफी रखे हैं और वहीं घुमा रहे, ये देखिए अंदर हाथ की तरफ ला रहे हैं ऊपर के साइड से, जबकि काशिम नीचे हैं, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा रहे हैं, और ये देखिए सैफी भी बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं ला रहे हैं, कमर की साइड की तरफ कहीं ना कहीं पतंग रखी हुई है। ये देखिए नीचे पटकी सैफी भाई ने बाहर निकाला, कौन लड़ा रहा इधर से, इधर से कौन लड़ा, कासिम नीचे, कासिम है, ये देखिए नीचे बिल्कुल पटक दिया है, सैफी भाई ने बहुत ही तेज पटका, ये खींचते हुए लेके चले गए थपकी मारी, देखते हैं क्या होता है। और ये पेच फंस गए हैं दोस्तों, पेच फंसे हुए हैं दोनों तरफ से, पेच फंस चुके हैं दोस्तों, जिसने पतंग टाइट की वो कटेगा। और ये क्या हो रहा है यार, देख सकते हैं, और ये काट दिया सैफी को कासिम भाई ने, काट दिया, मैंने कहा जिसकी पतंग टाइट हुई वो कटेगा, और फाइनली ये कट गए सैफी भाई। फाइनल का चौथा मैच दो संघ के है और एक हिंदुस्तान के कासिम कटे, एक सैफी एक छवि हसन। फाइनल का चौथा पेच कासिम छवि हसन, छवि हसन ऊपर से कासिम नीचे से, हिंदुस्तान ने अपना तीसरा पेच काटा, कासिम ने अपना तीसरा पेच काटा, रिकटिंग।
आइए दोस्तों इस पेज को समझते हैं। लेफ्ट साइड की तरफ है शब्बी हसन की पतंग, देख सकते हैं आप शब्बी हसन की पतंग ऊपर की तरफ जा रही है लेफ्ट साइड की तरफ। और यहाँ पे कासिम भाई ने अपने एक्सपीरियंस से काट दिया। कासिम भाई की पतंग देखिए, धीरे धीरे करके वो ऊपर लेके जाते हैं पतंग। देखिए अभी अंदर की तरफ से लेके जा रहे हैं, ये देखिए पतंग ऊपर कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, लगातार ऊपर कर रहे हैं। अब यहाँ से देखिए पतंग ऊपर कर रहे हैं, शब्बी भाई ने पतंग अपनी घुमाई, बाहर निकाल रहे हैं शब्बी भाई, फिर लेके अंदर गए। वहाँ कासिम भाई की पतंग देखिए ऊपर की तरफ किया, और ये देखिए नीचे निकलता हुआ बहुत ही तेज मारा, थपकी मारी। थपकी मारेंगे अगर खड़ी पतंग पे कुछ भी करिए कोई फर्क नहीं पड़ता। कासिम भाई को ये अच्छी तरह पता था, खड़ी पतंग पे मारी थी शब्बी भाई ने थपकी, उसका कोई असर नहीं हुआ। ये पेज अपने एक्सपीरियंस से काट दिया कासिम भाई ने, बहुत ही अच्छा। आइए दोस्तों इस पेज को समझते हैं। ऊपर के साइड से हैं सैफी भाई, ये वाली जो पतंग दिख रही है देखिए बाहर निकाले ऊपर की तरफ से, वो देखिए अंदर की तरफ मारा सैफुल ने, लेकिन मांझा चिपक गया। और ये देखिए यहाँ पे थपकी मारी, बहुत ही ज़्यादा देर कर दी थी सैफुल ने ये चीज़ समझने में कि वो थपकी मार रहे थे, और सैफुल ने बाद में थपकी स्टार्ट किया जब मांझा चिपक चुका था। जैसे ही इन्होंने डोर टाइट किया, सैफी का मांझा उनके ऊपर रखा हुआ था, जैसे ही टाइट डोर पे इनका रगड़ता हुआ मांझा आया, सैफुल कट गए। ये छठा पेज चल रहा है, और इस वक्त जो रिजल्ट है वो है 3-2 से हिंदुस्तान काइट क्लब आगे हैं कहीं ना कहीं। नीचे की तरफ से कौन है? नीचे की तरफ से है सन काइट क्लब, और ऊपर रखे हुए हैं हिंदुस्तान। हिंदुस्तान से कौन लड़ा रहा है? सैफुल। तो हिंदुस्तान से सैफुल लड़ा रहे हैं, ऊपर का पेच लिए हुए हैं, और वहीं सैफी लड़ा रहे हैं सन काइट क्लब से नीचे का पेच लिए हुए हैं। देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही शानदार पेच दिख रहे हैं, काफ़ी लंबे पेच चल रहे हैं, ये लगभग 500 मीटर के करीब ये पेच चल रहे हैं। ऊपर की तरफ से हैं सैफुल, और नीचे हैं सैफी, नीचे है सन, ऊपर है हिंदुस्तान टाइम, माफ़ कीजिएगा हिंदुस्तान काइट क्लब। हिंदुस्तान काइट क्लब ने ये घुमा रहे हैं अंदर की तरफ लाए, वहीं नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ बढ़ा रहे हैं सैफी, ऊपर उठाया यहाँ पर सैफुल ने। और ये देखिए नीचे तार वाले भी कितने सारे हैं, और इन दोनों पतंग में से कोई एक मिल जाए इसी की उम्मीद में नीचे वाले भाई भी सारे तार की पतंगें उड़ा रहे हैं, हालांकि पतंग नहीं उड़ानी चाहिए तार की। और देखते हैं क्या होता है। हिंदुस्तान काइट क्लब आगे है, ऊपर की तरफ हैं हिंदुस्तान काइट क्लब के सैफुल, और नीचे हैं, नीचे से हैं सैफी भाई सन काइट क्लब। दोनों ही मौका ढूंढ रहे हैं, और ये देखिए ऊपर से रखा था नीचे की तरफ, धमकी यहाँ पे धमकी दी जा रही है तार वालों को। देखिए आया सैफुल ने, थोड़ा सा नाम में कंफ्यूजन हो रहा है सैफी और सैफुल नाम है। फाइनल मैच ये चल रहा है सैफी मेमोरियल काइट टूर्नामेंट का, ऊपर की तरफ से हिंदुस्तान काइट क्लब की तरफ से सैफुल, और नीचे से हैं सैफी, बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ रख दिया है मांझे के पास। ये देखिए बाहर निकाला बहुत ही तेजी के साथ, ये पतंग रोका अंदर की तरफ, मुझे दिखाया बहुत ही शानदार पेच काट के रुक दिखा के काट दिया है, बहुत अच्छा पेच काटा था यहाँ पे। दोस्तों इस पेज को मैं क्या ही बोलूं यार, क्या बोलूं मैं, कैसे सैफी यार क्या पेज काटा है भाई, बहुत अच्छा भाई, मेरी तरफ से आपको स्टैंडिंग ओवेशन है। पहले सैफी ने सैफुल के मूड को समझा, सैफुल ने
ये मन बनाया था कि नीचे बिल्कुल करारा निकलता हुआ नीचे गद्दा मारेंगे तब जब सैफी बाहर खींच रहे होंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब धीरे धीरे सैफुल ने ये दिखाया कि मैं निकलता हुआ नीचे मार रहा हूँ, तो सैफी ने एक बार बाहर पहले निकलता हुआ दिखाया, तो इस पे उनका मूड पुख्ता हो गया। किसका? सैफुल का। उन्होंने बिल्कुल करारा नीचे हुआ मारता हुआ चले गए जब उन्होंने ये देखा कि सैफी बाहर खींच रहे हैं। सैफी ने पतंग वहीं रोकी और ऊपर बिल्कुल इनके हाथ की तरफ ऊपर बिल्कुल रुख दिखाया था। बहुत ही करारा पेच काटा है सैफी भाई, ये जिंदगी भर याद रहेगा। अच्छा हुआ जो यहाँ पे कैमरा मेरा चलता रहा, ब्लर नहीं हुआ। वाकई बहुत ही शानदार ये पेच मैंने रिकॉर्ड किया। ये सैफी भाई का एक यादगार पेच रहा। देखिए पेच तो ठीक है, लोग काटते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं काटते हैं, लेकिन उस क्रीज के पास 50 से 100 लोग आपके पास मौजूद हैं, उधर कमेंट्री चल रही, इधर कैमरा सामने चल रहा है, इतना ज्यादा प्रेशर है। उसके बाद सैफी भाई ने ये सारे टेक्निक अपना के अपोनेंट को काट दिया, ये बहुत ही बड़ी बात है। वाह सैफी भाई, सलाम है आपको। हर तरफ की पब्लिक ने ताली बजाई है इस पेज को देखकर। वाकई एक जानदार पेज काटा था। और जरा पब्लिक का मजमा देखिए, मैं 500 बोल रहा था, यहाँ 2000 से ज्यादा पब्लिक है। वाह भाई वाह। आइए दोस्तों पेज को एक्सप्लेन करें। देखिए जिस तरफ सैफुल है उस तरफ पतंग है हमारे सैफी भाई के, और जिस तरफ सैफी है उस तरफ पतंग है ऊपर की तरफ। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर दिख रही है आपको, ऊपर की तरफ है, ये है सैफुल। सैफुल ऊपर की तरफ से ये देखिए पतंग उन्होंने नचाया, सैफुल पतंग नचा रहे हैं और लगातार सैफी उनके हाथ की तरफ ऊपर की तरफ लिए हुए। ये देखिए सैफुल ने नीचे रखा, घुमाया सैफुल की पतंग, देखिएगा नीचे मारते हुए चले गए बिल्कुल लेफ्ट लिया पतंग, और अब नीचे गद्दा मारा जब उन्होंने देखा कि बिल्कुल ये राइट की तरफ खींचना चाह रहे थे, लेकिन वहीं पे उन्होंने मुड्ढा बदल दिया था और बिल्कुल ऊपर खींचा। ये स्लोमो में दिखाता हूँ दोस्तों, स्लोमो इसलिए दिखा रहा हूँ कि बहुत सारे जो न्यू कमर्स काइट फाइटर्स हैं उनको कुछ हेल्प मिले कि कैसे मुड्ढा बदलने का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये समझ में है। देखिए ये जो आपको रेड एरो में दिख रहा है ये सैफुल भाई की पतंग है। सैफुल भाई की पतंग पे ध्यान रखिए, उन्होंने घुमाया पतंग, सैफुल भाई पतंग घुमा रहे, अब इन्होंने नीचे मारना स्टार्ट किया। ये देख के सैफी भाई ने बिल्कुल राइट की तरफ खींचा, बस यहाँ पे मुड्ढा बदला, ये वो मुड्ढा था ऐतिहासिक मुड्ढा, और बिल्कुल ऊपर सीधा खींच गए, और ये देखिए सैफुल भाई हमारे कट गए। तो दोस्तों इसके लिए तो ताली बनती है। वाह भाई क्या पेच काटा है। फैला दो फिर नौटंकी ना कराइएगा। फैला दो जा मोहन लगा लो यार, लगभग 20 लोग ले खड़े हो, पतंगी भी रेडी रखे हो। तुम लैग नहीं हो पतंगी, लैग नहीं हो पतंगी, लैग नहीं हो पतंगी। दोस्तों जहां सैफी ने लगातार दो नायाब पेच काट कर स्कोर 3-3 की बराबरी पे लाके खड़ा कर दिया था, वहीं हिंदुस्तान में ये खलबली और ऐसा गुस्सा लाजमी था। लैग नहीं हो पतंगी। एक तरफ जहां पे सन काइट क्लब ने बराबरी के मैच पे लाके खड़ा कर उम्मीदें जगा दी है फाइनल जीतने की, तो वहीं ये सैफुल को समझना होगा कि अगर उन्होंने ऐसा ही परफॉर्मेंस रखा तो ये जीत हाथ से निकल जाएगी। दोस्तों हिंदुस्तान के दो मेंबर्स के अलावा जो पतंग लड़ा रहे थे उनके अलावा एक प्लेयर और था जो कहीं ना कहीं पूरी ताकत से जुड़ा हुआ था और पूरी दम से लगा हुआ था चरखी दिखाते टाइम, शम्मू। शम्मू एक ऐसे प्लेयर पीछे खड़े हुए थे जो बहुत ही जबरदस्त प्लेयर हैं। लगातार कई सारे पेचेस में आपने देखा होगा बहुत ही बारीक नजर रखे हुए थे और पीछे से सपोर्ट और सजेशंस भी दे रहे थे। दोनों टीम्स के प्लेयर ने क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है ये प्लानिंग कर ली थी। एक तरफ जहां सैफी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और शब्बी भी उनका साथ दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सैफुल और कासिम किसी हाल में ये मैच जीतना चाहते हैं। देखते हैं क्या होता है। अब
देख सकते हैं दोस्तों ऊपर की तरफ से है हिंदुस्तान का नीचे की तरफ और ये बाहर की तरफ बहुत ही तेजी के साथ पहुंचते हैं। बहुत ही शानदार हिंदुस्तान काइट क्लब ने काटा है। और आइए दोस्तों इस पेज को समझते हैं। ये सैफुल भाई की पतंग यहाँ पे है, नीचे की तरफ से है हिंदुस्तान, गलती से बोल गया था ऊपर से है। ये देखिए नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं, राइट साइड की तरफ बाहर निकाली बहुत तेजी के साथ सैफी भाई ने, बिल्कुल निकलता हुआ मारा, फिर अंदर की तरफ हल्के हाथों से लेके उसी समय मौका पाके बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ निकलता हुआ खींचा था। बहुत ही अच्छा पेज काटा है यहाँ पे सैफुल भाई ने। ये देख के कि सामने वाले पतंग ने जरा सी ढील दी और इन्होंने पूरी तरह से चढ़ाई। लेफ्ट साइड की तरफ है सनकाई क्लब और राइट की तरफ है देखिए अंदर की तरफ लेके जा रहे बहुत ही तेजी के साथ नीचे की तरफ से बढ़ रहे हैं सैफुल। देखिए बहुत ही ज़्यादा लंबे रख रखा है यहाँ पे अभी सनकाई क्लब के मेंबर ने, बिल्कुल ले जाके नीचे रखा ये पतंग घुमाई बाहर खींची तो उन्होंने नीचे पट मारा, उन्होंने ऊपर उठाया और अंदर लेके चले जा रहे हैं नीचे बहुत ही तेजी के साथ। देखिए बिल्कुल नीचे की तरफ रख दिया है सनकाई क्लब ने, देखते हैं क्या होता है। इन्होंने बिल्कुल मारा, रोका और बाहर खींचा सनकाई क्लब ने, बिल्कुल अपने राइट साइड की तरफ दोनों ने अपने अपने हाथ की तरफ खींचा। बहुत ही अच्छा ये खींच के पेश कर दिया है, ये देखिए पतंग आ रही है हिंदुस्तान। आइए दोस्तों इस पेज को समझते हैं। नीचे की तरफ से घुमा रहे हैं जो ये देखिए बाहर निकाल रही है सैफुल है और ये देखिए नीचे की तरफ जो मारा वो है हमारे शब्बी भाई। शब्बी भाई बना के बिल्कुल बाहर मारना चाहते हैं, बना के मतलब एंगल बना के। चलिए देखते हैं क्या होता है। बार बार ये जगह बना रहे हैं और सैफुल भाई बार बार नीचे कर ले रहे हैं क्योंकि उनको एक अच्छा एंगल नहीं मिल रहा है, इसलिए उन्होंने पतंग अपनी शब्बी भाई ने घुमाई। ये देखिए घुमा रहे हैं, अब ये कहीं ना कहीं एक बढ़िया पेज जो कहते हैं बन गया है। ये देखिए यहाँ पे ला के रखा शब्बी भाई ने और ये देखिए पतंग खड़ी की हुई है, उन्होंने अपने राइट खींचा, लेफ्ट खींचा है अपने सैफुल भाई ने और बहुत ही तेज खींचा। ये काटा है झोल यहाँ पे, कहीं ना कहीं थोड़ी सी दूरी थी शब्बी भाई की पतंग में और सैफुल भाई की पतंग बिल्कुल सीधी थी, यानी बिल्कुल भी झोल नहीं था। और जैसे ही उन्होंने देखा कि वो अपने राइट साइड पूरी तरह खींच रहे हैं बिल्कुल राइट साइड की तरफ, तो सैफुल ने भी अपनी पतंग घुमाई और बिल्कुल लेफ्ट खींचा क्योंकि इनकी पतंग एकदम कहीं ना कहीं खड़ी हुई थी, जिसकी वजह से उनका झोल पहले मिला वो कट गए। बहुत अच्छा दोस्तों इसी पेज में मैं एक चीज और दिखाता हूँ, सैफुल का चेहरा। जरा चेहरा देखिए इनका खींचते टाइम, ये चेहरा बता रहा है कि किसी हाल में फाइनल हम लेके जाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों 5 पतंगे हिंदुस्तान काइट क्लब काट चुकी है और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है और साथ दे रहे हैं हमारे शम्मू भाई लगातार, और सैफुल जो हैं लगातार बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। उधर से भी अच्छे मैच चल रहे हैं लेकिन फिलहाल अभी 2 पैसे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान काइट क्लब आगे है। एक बार फिर से पेस सही होने की तो बार बार सीटी सुनाई दे रही है लेकिन ये देखिए बिल्कुल ऊपर करके रखा हुआ है हिंदुस्तान ने, ऊपर की तरफ से है सनकाइट क्लब, ले जाके मांझे पे रखा है सनकाइट क्लब ने, नीचे की तरफ से थपकी मारी थी हिंदुस्तान ने। बिल्कुल खड़ी कर दी पतंग हिंदुस्तान ने, उन्होंने बिल्कुल नीचे कदम मारा बहुत ही तेज, उन्होंने डंप मोड़ के वापस अंदर की तरफ मोड़ा लेकिन यहाँ पे अच्छा पेश काट दिया यहाँ पे सनकाइट क्लब ने। बहुत सारे मुद्दे आपने देखे एक ही टाइम पे मोड़ दिए गए लेकिन कहीं ना कहीं ये सनकाइट क्लब को इस पेश के बीच का श्रेय देना चाहिए।
शब्बी भाई ने इस तरीके से पेज काट कर ये बता दिया कि अभी हम जिंदा है और ऐसे टेक्निकल पेज काट कर दिखाएंगे कि लोग जिंदगी भर याद रखें। बिल्कुल, शब्बी हसन ने और पटाखे छोड़े जा रहे हैं। 500 रुपए का इनाम नगद तुरंत दिया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। कैसा लगा ये वाला पेसर बताइए? बहुत अच्छा काट दिया उसने, धक्के मारे उसे बहुत। शब्बी ने ये पेज काटा है तो इसमें कैसे क्या पेच हुआ है कुछ बताइए। ये हुआ उसने गद्दा मार के उसने झटका झटक दिया कस के, ये सोचे जाएगा सीधा वो रोक झटक जो दिया उससे उसने काट दिया। शब्बी भाई ने क्या कर सकता था कि वो बच जाते? अगर ये यहाँ पे अगर हाथ मारते ये कट जाते। अच्छा, झटक के झटके मारे कस के जी, उससे उसकी डोर बड़ी आग उससे कट गया। तो हमारे साथ एक बार फिर से सोडी भैया फाइनल में आके मिले हैं। इस पेज को एक्सप्लेन करिए सोडी भैया, कैसे क्या किया यहाँ पे शब्बी भाई ने, कैसे काटा इसे? शब्बी भाई ने गद्दा ही मार के पेज काटा है। सैफुल ने जो पहले बाहर का पुद्दा शो किया कि बाहर खींच के काटेंगे, ओके, उसने अंदर मारा, अंदर मारने में उसकी पतंग कट गई। ऊपर वाले ने गद्दा मार के पेज काट दिया। तो वो क्या करते हैं कि सही हो जाता है या बाहर ही खींचते रहते तो पेज काट सकते थे, बाहर ही खींच देते। आइए दोस्तों इस पेज को एक्सप्लेन करते हैं। लेफ्ट साइड में है शब्बी भाई की पतंग। आप शब्बी भाई की पतंग को सिर्फ देखिएगा। मैं पहले ही बता दूं कि हमारे कासिम भाई ने पतंग ऊपर लेके खींच के थपकी मारी थी। अब ध्यान देते हैं हम शब्बी भाई की पतंग पे। पहली बार इन्होंने इधर खींचा, देखा यहाँ पे मुड्ढा बदला, बिल्कुल नीचे खींचा। उसके बाद अब बिल्कुल स्ट्रेट नीचे खींच रहे, देखते जाइए, स्ट्रेट नीचे खींचा खींचा, ये मुड्ढा बदला, अंदर की तरफ लेके थपकी मारा। तो समझ रहे हैं आप, कुंटलों का वजन डाल दिया था अपोनेंट के मांझे पे। ये बिल्कुल झेल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन ही था एक्चुअली, ऐसा कह सकते हैं आप। अगर हमारे कासिम भाई की डोर ऊपर होती यानी खड़ी होती तब तो शायद कुछ हो सकता था जो उन्होंने कासिम भाई ने किया, थपकी मारी। लेकिन यहाँ पे हमारे आंखों के सामने पतंग लड़ रही है, यानी भौं ऊपर नहीं करना है, आपके आंखों के सामने रखी है। और इस पतंग पे यानी कासिम भाई की पतंग पे जो वही मैंने कहा कि कुंटलों वजन जो नीचे रख के थपकी मारी है, बस इसी में कासिम भाई की पतंग निपट गई। बुनियाद बाग लखनऊ के मैदान में ये फाइनल मैच चल रहा है सैफी मेमोरियल काइट टूर्नामेंट का, और फाइनल लड़ा रहे हैं हिंदुस्तान काइट क्लब और सन काइट क्लब। उधर से कासिम भाई ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो वहीं सन काइट क्लब से बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है सैफी भाई ने। और इस समय सैफुल और सैफी पेच लड़ा रहे हैं, नीचे का हाथ लिए हुए हैं सन काइट क्लब, ऊपर से हैं हिंदुस्तान काइट क्लब। क्योंकि समय ज़्यादा होता जा रहा है इसलिए कमेंटेटर बोल रहे हैं बार बार। और ये बिल्कुल नीचे ला के रखा है, जब नीचे मारते हुए चले गए। और ये आज अचानक से बाहर खींचा बहुत ही ज़्यादा तेज, और ये कट गए हैं सैफी, कट गए सैफी, कट गए हैं यहाँ पर। देखते हैं अगर पतंग निकल आती है तो पेच माना जाएगा। और ये देखिए पतंग निकल आई, हिंदुस्तान के सैफुल ने ये पेच बहुत ही अच्छा काट दिया। कहीं ना कहीं देर कर गए थे, या फिर वही पेज अगर दोहरा देते अंदर की तरफ नीचे पट मार देते, ऐसा कुछ कर सकते थे तो शायद सैफी अपनी पतंग बचा ले जाते। वाकई ऐसा पेज काटा था यहाँ पे सैफुल भाई ने कि हिंदुस्तान जिंदाबाद आपको भी कहना होगा। जी हाँ, ये देखिए यहाँ पे रखा, मारा नीचे, मारते चले गए। फिर चाहे आप कितना भी बाहर खींचने की कोशिश कर लो, कुछ नहीं होना। इस पेच में सैफुल बिल्कुल नीचे मारते हुए लेके चले गए थे, और कहीं ना कहीं लेट कर गए थे क्या सैफी खींचते वक्त? मीडियम पतंग थी साथ में गद्दा गया झोल के साथ, मीडियम पतंग थी इनकी झोल के साथ गद्दा गया नीचे, मतलब पतंग साथ लेके गई है डोर को, वो क्या गई तेज। अच्छा, वो क्या करते कि कुछ हो सकता था? अब उन्हीं ने करी गलत दिया, बाहर खींचा, बाहर खींच दिया।
बाहर खींचेंगे तो मीडियम पतंग से तेज झोल, असल में ऐसा होता है ना, मीडियम पतंग सात झोल लेके उतर जाती है तेज। अच्छा, ये टिपकंटी से फिल्म का पेश कर दिया। तो दोस्तों सामने शकील भाई है, बहुत ही जबरदस्त फंसा के लड़ाते हैं और इन्होंने पेज को एक्सप्लेन किया। और ये अभी हम खेमे में खड़े हैं हिंदुस्तान काइट क्लब के, अभी बहुत ही लाजवाब पेज काटा था सैफुल भाई ने। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान काइट क्लब ने अब तक 7 पतंगे काट चुकी है सन काइट क्लब की, वहीं सन काइट क्लब ने अब तक 4 पतंगे काटी है। तो कहीं ना कहीं ये पेज हिंदुस्तान काइट क्लब के लिए आखिरी है, तो वहीं इस फाइनल मुकाबले में बने रहना है तो किसी हाल में सैफी को ये पेज काटना होगा। दोनों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, दोनों के मन में क्या प्लानिंग चल रही है, फंसा के लड़ाना है खींच के लड़ाना है। जहां कासिम फंसाने में उस्ताद है तो वहीं सैफी एक से एक बेहतरीन तरीके बेहतरे जानते हैं खींचने में। अब देखिए क्या होता है। और एक बात आपको और याद दिलाना चाहूंगा कि कासिम भाई ने जितनी बार अभी फंसाया है उतनी बार पेच काटा है, तो यहाँ पे सैफी भाई कहीं ना कहीं चाहेंगे कि खींच के ही पेच लड़े। आइए देखते हैं। सकते हैं दोस्तों, हर तरफ से ये पतंगबाजी का लुत्फ उठाया जा रहा है। सामने छत पे कुछ मेंबर्स खड़े हैं, देखिए कुछ छोटे बच्चे यहाँ से देख रहे हैं। हालांकि गर्मी बहुत है तो वस्त्र जो है शरीर पे नहीं है, कोई बात नहीं। पेज सही हो गया दोस्तों, अगर हिंदुस्तान काइट क्लब ने ये पेज काट दिया तो इस ट्रॉफी के विजेता हो जाएंगे। ऊपर की तरफ से रखा है सन काइट क्लब ने, नीचे की तरफ से पढ़ रहे हैं हिंदुस्तान। देखते क्या होता है। फंस गए ना, अब ये निर्णय करेगा जीत होती है कि अभी भी पेच होंगे सन वर्सेस हिंदुस्तान। फंस चुके हैं पेच ये दोस्तों और निर्णय अभी आ जाएगा। फाइनल 31 टीमों को हराकर हिंदुस्तान ने जीत का परचम लहरा दिया, कर दिया कमाल, बन गए मिसाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सैफी मेमोरियल काइट टूर्नामेंट के विजेता हुई हिंदुस्तान काइट क्लब लखनऊ की टीम। कासिम जो कि पहला पेज काटे थे, आखिर पेज काट के दिला दी जीत। सैफुल और कासिम को इस जीत की ढेर सारी बधाई, शम्मू को भी बधाई, वहीं रनर अप रही हमारी सन काइट क्लब को भी ढेर सारी शुभकामनाएं भविष्य के लिए। और फाइनली हिंदुस्तान काइट क्लब ने ये मैच जीत लिया दोस्तों। कासिम भाई आ गए हमारे, बिल्कुल बहुत ही भयानक पेच है, लड़ाई है, तालियां बजा दो भैया इनके लिए। सामने आ चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन ये 8 पेचेस काटे गए हैं। छोटी भाई आए हैं इनको बधाई देने, और छोटी भाई ने बधाई दी। ताबिज भाई आ गए हैं, ऑल इंडिया काइट टूर्नामेंट के चैंपियन आए हुए हैं हिंदुस्तान काइट क्लब को बधाई देने। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा पेच काटे हैं, बहुत ही मुबारक हो। इनका इंटरव्यू लिया हमारे कासिम भाई, बिल्कुल फाइनल पेच काटने वाले। नहीं, कासिम भाई बहुत ही जबरदस्त उस्तादों में है और जिस तरह से इन्होंने लड़ाया है साबित कर दिया है कि आपके पेच अच्छे हों तो आप कहीं भी जाके काट सकते हैं।
और फाइनल में कहीं ना कहीं शिकस्त मिली, लेकिन कोई बात नहीं सैफी भाई। और सैफी भाई आप लोगों ने वाकई ऐसे ऐसे पेज दिखाए हैं जिससे लोग सीख पाएंगे, बहुत ही अच्छे। और सैफी भाई ने तो क्या ही पेज काटे, मुड्ढे मोड़ मोड़ के सैफी भाई खड़े हैं, बहुत अच्छा। मुबारक हो आपको रनर अप के लिए। नहीं कोई बात नहीं, आप लोग हैं उस्ताद तो क्या बात है। दोस्तों ये गेम ही है जो हमें और आपको जोड़े हुए है, वरना बाहर तो सब आपस में लड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, चाइनीज प्लास्टिक पांडा बिल्कुल मत यूज करिए इन पतंगों के लिए। ऐसी पतंगबाजी सीखिए दोस्तों, ऐसी पतंगबाजी, वाह। रिक्वेस्ट है आप सभी से, गुटखा सिगरेट या किसी भी तरह का धूम्रपान ना यूज करें पतंगबाजी के दौरान। चीफ गेस्ट रहे रेहान नईम सर, उस्ताद आगा सर और खुद लईक आगा सर, जिन्होंने विजेताओं और रनर अप और जितने भी हमारे मेंबर्स थे जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में भूमिका निभाई, उन सबको प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट किए। साथ में काइट कल्चर ने भी विनर और रनर अप के लिए कुछ प्राइज दिए। और दोस्तों खुश रहें, अच्छे से रहें, कोरोना काल चल रहा है, मास्क दूरी बनाए रखें और वीडियो को हो सके तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है आपको पता है अच्छी तरह से। नमस्कार। सामने हमारे विजेता टीम है हिंदुस्तान काइट क्लब और कासिम भाई हैं और साथ में है सैफुल भाई। आज जो बेहतरीन मांझा आपने यूज किया है, क्योंकि मैंने देखा आपने काफी फसा फसा के आप लोगों ने काटा है, ऐसा कौन सा मांझा बांधे थे भैया? अयान का था। अयान भाई एक हमारे बरेली के बहुत अच्छे कारीगर है, उन बहुत बढ़िया डोर बना रहे हैं। अच्छा अच्छा। उन्हीं की डोर हमारे शकील उस्ताद ने हम लोग को दी, जिसका हम लोग ने प्रयोग किया पूरे टूर्नामेंट भर। जी जी जी। तो बताइए शकील भाई कैसा ये मांझा लड़ा? सैफुल भाई का रात में फोन आया जी, रात में मैंने इनके लिए चरखी अवेलेबल कराई, रिजल्ट जी जी आसिफ सर हमारे सामने जी, ये आज ही चरखी बन के आई है और इसी मैदान से ही रिसीव करी गई है जी जी। और आज सैफुल भाई ने इसी मांझे से लड़ाया। क्या बात है। और ये देखिए दोस्तों, इरशाद भाई मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने मेरे लिए अपनी बहुत ही कीमती चीज भेजी है, मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इरशाद भाई। तो दोस्तों देख सकते हैं जितने भी क्लब फाइटर्स देख रहे हो, जो भी टूर्नामेंट लड़ाना चाह रहे हो, अगर फसाने में अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो अयान का ये मांझा मंगवा सकते हैं। ये दो ब्लॉक में आता है, शायद 7 और 10 स्टार में। हमारे सामने आसिफ सर भी है, बहुत ही जबरदस्त पतंग आपने देखा था, एक बैठे बैठे काट दिया था, हालांकि इनके पैर में एक्सीडेंट हो गया था, खैर कोई बात नहीं। और बहुत सारा मुबारक मैं देना चाह रहा हूँ काइट कल्चर की तरफ से, आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये मैच मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। थैंक यू। दो
दोस्तों इस फाइनल मैच में चार पेच फंस के लड़े थे, जहां पे सन ने यूनिस इकबाल 926 और नंबर 1 हसीन लल्ला जी का यूज किया था, तो वहीं हिंदुस्तान काइट क्लब ने अयान का 7 स्टार यूज किया था। तो आप समझिए कहां 3500 रुपए की ये डोरे यूनिस इकबाल और हसीन लल्ला की, और कहां 7 स्टार ही था, वो भी 10 स्टार नहीं था अयान का, और इस तरह से फंसा के घास फूस की तरह काट दिया कि क्या ही बोला जाए। तो आपको समझना है कि इतने महंगे मांझे से अगर कोई फायदा ही नहीं हो रहा है तो क्यों इस पे इतना पैसा आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं।